हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रीवियस ईयर का सेट लेकर आया है वह 14/3/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसका सेट लेकर आए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ था 14/3/2021 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज, और वो सेंटेंस है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दो, मीराबाई किस काल की कवित्री थी, मीराबाई किस काल की कवित्री थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल की। मीराबाई जो है वह भक्ति काल की कवित्री थी, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाएं की तो राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा और गीत गोविंद टीका जो है इनकी प्रमुख रचना थी। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर में कि ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू, और सेंटेंसेस दिया हुआ है कि वुड यू ऑल प्लीज गो अप अ स्टेयर राइट अवे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोजेन, फ्रोजेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, जिंदगी नामा उपन्यास जो है किसके द्वारा रचित है। तो यह रचित है कृष्णा सोबती के द्वारा, कृष्णा सोबती की ये उपन्यास है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पाँच नंबर कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर्ड इट बिलोंग्स टू, और वो सेंटेंसेज है हेयर आर सेंटर्ड टू होप्स एंड एस्पिरेशंस एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सेरिमोनियल, क्या हो जाएगा, सेरिमोनियल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें देखिए पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है और उसके बाद जाके इस पे जो है इसका क्वेश्चन नीचे बना हुआ है, लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द ऑथर्स मेंस पर्पस इन द पैसेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पॉट्स, ठीक है, यानी कि इस गद्यांश के माध्यम से सन स्टॉप्स की प्रकृति का वर्णन करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी केवल धार, अपनी केवल धार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात की जाए अगर इस पुस्तक की तो अरुण कमल की यह पहली पुस्तक है, 1980 ईस्वी में जो है इसका लोकार्पण हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ कि द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट द एबव सेंटेंस मीन्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, द ओल्ड मैन डेड, क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन डेड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नौ नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी, गुलेरी को अलग पहचान दी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था, उसने कहा था। द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, और गुलेरी जी की अन्य रचनाएँ हैं सुखमय जीवन, बुद्धू कांटा, मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, चुका भी नहीं हूं मैं, सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी, इनके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, इनके सही आंसर हो जाएगा कौशल्य बायसंतरी की, किसकी, कौशल्य बायसंतरी की। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, फिर इसमें देखिए एक पोएम दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें एक पोएम दिया हुआ है और उसके बाद जो है इस पर क्वेश्चन नीचे बना हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर थीम ऑफ द पोएम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी कि मदर्स लॉसिंग दियर आइडेंटिटी, मदर्स लॉसिंग दियर आइडेंटिटी जो है इस पोएम की थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी क्या, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य भाव, माधुर्य भाव जो है मीराबाई की भक्ति थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिर 14 नंबर क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू गिवन ऑप्शंस, और वो सेंटेंस दिया हुआ है कि
द बैलून राइज इन द एयर द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स ही फर्दर चेड डू यू नो द रीजन. इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. द साइंस टीचर एक्सप्लेन्स टू द स्टूडेंट्स द बैलून्स राइज इन द एयर ही फर्दर इनक्वायर्ड इफ दे न्यू द रीजन. वहीं अगर बात करें इसमें देखिए दिया हुआ है कि दिया गया डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव है और इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाते हैं तथा कनेक्टिव इफ का प्रयोग करते हैं तथा क्रमश प्रेजेंट आइडेंटिफाइड इनडिफिनिट टेंस की वर्ब्स एक्सप्लेंड को एक्सप्लेन्स में एवं नो को न्यू में बदल देते हैं. अतः विकल्प सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए राइट चॉइस. और दिया हुआ है कि कस्टमर्स में प्रोवाइड यू विद दियर कॉल नंबर एट वन पॉइंट बट द डज नॉट ग्रांट यू आर राइट टू टेक्स्ट देम. और दिया है कि दे हैव एक्चुअली बीन प्लेंटी ऑफ लॉ सूट्स रिजल्टिंग फ्रॉम, फिर ब्लैंक दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन. सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए. ईमेल यहाँ पे हो जाएगा. रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, नॉन जो है रिक्त स्थान में नॉन ईमेल का प्रयोग उचित है. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इट उसके बाद जो सेंटेंस दिया हुआ है कि इट्स कोल्ड इन दिल्ली, उसके बाद है कि आइस वाइंड्स ब्लैंक है, मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्रीज सेल्सियस कुड वेव टू कंटिन्यू. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किनके हैं. सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के. भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों के दोनों नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, याद रखिएगा. वहीं अगर बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अतिरिक्त कृतियाँ की तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, पाखंड विडंबन, भारत जननी, कपूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, ये सब के सब जो है इनके ही कृतियाँ हैं. नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट फिर से इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग. और उसके बाद जो है इस पे यहाँ पे देखिए का क्वेश्चन बना हुआ होगा, दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन क्या हो जाएगा. तो फर्स्ट ग्राफ के अनुसार अमेरिकन का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीफर एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की मोहन राकेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है. तो घटना चक्र बुक में जो है इसका राइट आंसर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि मोहन राकेश को आषाढ़ का एक दिन नाट्य रचना और आधे अधूरी की रचना के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, ये याद रखिएगा. इसके अलावा लिखा हुआ है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है. मोहन राकेश की प्रसिद्ध कृतियां हैं अंधेर बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, बहुत बड़ा सवाल, आखिरी चट्टान तक, क्वार्टर, वारिस आदि. तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंधेरे बंद कमरे जो है इसका सही आंसर हो जाना चाहिए. उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कि तीन ही तो रुपये हैं दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका है. राइट आंसर हो जाएगा मुन्नी का जो है ऐसा यह कथन है. ज्ञातव्य कि ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है पूस की रात से ली गई है और जो मुन्नी का है, मुन्नी हल्कू की इसमें पत्नी का जो रोल किया हुआ है. और इसके अलावा अगर प्रेमचंद की बात की जाए तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र और मानसरोवर, 8 भाग में, याद रखिएगा. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 से. वर्ष 1994 में चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा राज्य है. सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र. राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है. अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार
को निषिद्ध करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार जो है प्राप्त किया गया है, और इन मूल अधिकारों में ही अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। सही आंसर है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर की किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, तो वो कहा गया है हेगल के द्वारा, ठीक है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे ये, इन्होंने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा 18। टोटल कितनी है, 18 है। लिंगानुपात का सबसे पहला अर्थ समझिए कि लिंगानुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से होता है, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है वह है 943 943, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएँ। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, और प्रश्नानुसार भारत में 18 राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका की लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 28 नंबर, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की। कौन देखता है स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में, कौन देखता है, तो लास्की देखता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 29 नंबर, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है सिंगरौली। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राकलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितना है, 2 वर्ष है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है यह गंगा बेसिन का भाग नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है। केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया, तो वह परिभाषित किया है आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स के द्वारा जो है भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 ISFR 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर, खाली जगह दिया हुआ है और उसके बाद है कि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 से कम। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, यानी कि 1 से कम सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या, लोच का मान होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2.97 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। सही आंसर है कि व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला दूसरे नंबर पर राज्य है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जबकि बात की जाए अगर फर्स्ट की तो वह है राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिका मेडू से। रोमन व्यापारियों की बस्ती के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अरिका मेडू से मिले हैं, अरिका मेडू से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर की लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। सही आंसर है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, ये भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए लाल किताब की, तो लाल किताब जो है
विलुप्त प्राय पादप जंतुओं कवक एवं प्रोटिस्ट के आंकड़े उपलब्ध करवाती है, और रेड डेटा बुक जो है रेड डेटा बुक को IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लो 40 नंबर की, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 एवं 21 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक वास्तविक क्षेत्र विद्यमान है, याद रखिएगा। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संगठन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI का द्विवार्षिक प्रकाशन है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर की, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायस्थ। राजपूत काल में कायस्थ जो है नवीन जाति प्रमुखता में आई थी, ये भी याद रखिएगा। और बात अगर करें कि कायस्थ की, तो कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ओसनम स्मृति में हुआ है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह ओसनम स्मृति में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर की, 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है क्या? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6.9%। वर्ष 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर जो थी वह थी 6.9%। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की, हड़प्पा के निवासी खाली जगह के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, यानी कि किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो यह रखते थे मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा के जो निवासी हैं वह मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइगर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में है कि दिए गए रेखांकित में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ रही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है इसमें क्या हो रही है? तो बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वह संपन्न हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है यह 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ, और इन्हें संविधान सभा का प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। जबकि अगर बात की जाए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, पेरेस्त्रोइका का क्या आशय था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्निर्माण। पेरेस्त्रोइका का जो आशय था वह है पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य संघ यानी कि UNO का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप जो है वह सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की बात की जाए तो यह 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात की जाए वर्तमान में इसके सदस्य देशों की, तो वो वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश है, 193 कंट्रीज जो है अभी इनके वर्तमान में सदस्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की, ऐसे बाजार जिनमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा वायदा बाजार। क्या कहा जाता है उसे? वायदा बाजार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आइए हम लोग देखें इसमें से कुछ मुख्यालय का, जैसे कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है कोलकाता। बात की जाए अगर पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय का, तो यह है भुवनेश्वर में। और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है जो यह है गोरखपुर में, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, खाली जगह दिया उसके बाद लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, यानी कि इनमें से कौन है जो मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य का माप जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर की, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन? सही आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो वो होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य।
उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कि सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना ही जो है बिहार सरकार की युक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर की, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 57 नंबर की, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति से निगमनात्मक। प्रकृति से निगमनात्मक जो है राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 58 की, बम्बई में नाभिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 फरवरी 1946 को जो है बम्बई में नाभिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बम्बई में नाभिक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के नाविक खराब भोजन और नस्लवादी भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। वही बात करें अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेखनीय है जिसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वह 62 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, एकाधिकार में पूर्ति वक्र का वक्र जो है क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र जो है वह अस्तित्व में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एसेंट्रिक। क्या हो जाएगा? एसेंट्रिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित उन्हें एसेंट्रिक कहा जाता है और गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर जो है गुणसूत्र शब्द का यानी कि क्रोमोजोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 कि एक एमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, इसमें अतिरिक्त संट जोड़ने पर यह एमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है, तो अतिरिक्त संट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 ओम। क्या हो जाएगा? 20 ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 कि जैव विविधता शब्द किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन के द्वारा जो है जैव विविधता शब्द दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति जो होती है वो होती है निर्जलीकरण, याद रखिएगा। और समांतर निर्जलीकरण की स्थिति में शरीर में साधारण नमक यानी कि NaCl की कमी हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। लिथियम धातु जो है वजन में सबसे हल्की होती है। वहीं अगर बात की जाए सबसे भारी धातु की तो वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर की लोलक की काल अवधि क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की जो काल अवधि है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 67 कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2P1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है? राइट आंसर है कार्बन के अपर रूप। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपर रूप है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुबेरिन। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ है वो है सुबेरिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉपर। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजत यानी कि चांदी सिल्वर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है रजत होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कि जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपरिवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि दो मोल की आदर्श एकल परमाणुक गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5R हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कि डाइक्रोमेट द्विऋणायन में क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि XUF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा वर्ग पिरामिडीय। क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिडीय सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि IO4 में I की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी गैस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैसीय अमोनिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है। सही आंसर है इसका दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी की इकाई है। बात की जाए अगर एक प्रकाश वर्ष की तो वो होता है 9.4×10^15 मीटर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर कि खाली जगह रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा इबोला हेमराजिक बुखार जो रोग जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट 82 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे कम क्षारीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर, वाताग्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता वाताग्रों की विशेषता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। सही आंसर हो जाएगा अंतरकाशी जो है वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड का प्रकार है, हाइड्राइड का प्रकार है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 85 नंबर, पार्शिक निम्न में से किसका मात्रक है। तो पार्शिक जो है यह दूरी यानी कि लंबाई की मात्रक होती है। वह बात की जाए अगर एक पार्शिक की तो एक पार्शिक बराबर होता है 3.02×10^16 मीटर, 3.08×10^16 मीटर जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 नंबर कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों जो है सही आंसर हो जाएगा, पुतली और परितारिका दोनों जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 87, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। सही आंसर हो जाएगा 206। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है तो 206 होती है। उसके बाद देखेंगे 88 नंबर की केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हीमेटोजाइलिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रणाव स्तंभ का उदाहरण है कौन सा। सही आंसर है नागफनी जो है प्रणाव स्तंभ का उदाहरण है, याद रखिएगा। और नागफनी प्रायः रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है जो मांसल होता है। नेक्स्ट है 90 नंबर कि निम्न में से कौन से यौगिक में मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा KMnO4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था इस सेट का GKGS करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा, और वाकई में ये जो सेट था थोड़ा सा इसका लेवल जो है एक हार्ड लेवल करके थोड़ा दिया हुआ था क्वेश्चन। तो इसका अगर PDF चाहिए आप लोगों को तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।